गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो वर्ल्ड कप फीवर शुरू हो गया है एंड बहुत जल्दी हम इंडिया को वर्ल्ड कप मैचेस में इन एक्शन देखेंगे। सो देर आर टू वार्म अप मैचेस एंड दे आर 9 मेन मैचेस ऑफ द वर्ल्ड कप एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी स्टेडियम इन विच इंडिया इज गोइंग टू प्ले, व्हाट डेट्स दे आर गोइंग टू प्ले, किस टाइप की पिचेस होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। सो जो फर्स्ट मैच है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है, जो वार्म अप मैच है वो सैटरडे को है, देन इंडिया वर्सेस नेदरलैंड सेकंड वार्म अप है। सो वार्म अप में हम अपना टाइम ना वेस्ट करके, बिकॉज यू नो वार्म अप में रोटेशनल पॉलिसीज होती हैं एंड कोई जो बैट्समैन खेल रहे होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, फिर दूसरे बैट्समैन को चांस मिलता है, फील्डर्स अलग होते हैं, बॉलर्स को रैंडमली बॉल जीत जाती है, तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है वार्म अप गेम्स की जितनी मेन मैचेस की है। सो जंपिंग राइट इनटू द फर्स्ट मैच दैट इंडिया इज गोइंग टू प्ले in the World Cup and that is with Australia on the 8th of October in Chennai. So this is a Sunday, it is October 8th and please mark your calendars because Australia is a very strong team. Abhi hum final ODI unse haare hain, unhone hame bahut bada target de diya tha and the Indians could not chase it down. But since ye match Chennai mein hone wala hai, so Chennai always supports spin friendly wickets, to wahan spinners ko bahut assistance milti hai. So we can expect that the Indians do better on that ground. Wo Dhoni ka, you know, almost like a whole home ground hai, CSK ka home ground hai. So, you know, we always have good luck on that ground. So, 8th October, Sunday ko, 2 baje, India is going to face Australia in the first World Cup match of theirs. And that is going to be a spin-friendly wicket. And we hope, I personally give India a 60-40 chance in that match. So, coming on to the next match, and that is in my home ground, which is Delhi, which is India versus Afghanistan. So India versus Afghanistan is on October 11th. Jo Delhi mein stadium hai, Firoz Shah Kotla stadium hai, jo us stadium mein wo 2 baje se match shuru hoga. That is, you know, I'm going to see that match live. Mere paas tickets hai us match ki. So I will be giving you live pictures and live feed from there. So that is exciting news. And then ये match Wednesday को खेलने जाने वाला है 11th of October, so please mark your calendars. And Delhi की wicket जो होती है वो generally एक slow wicket होती है, वहाँ you know ज़्यादा runs नहीं बनते हैं, even though the ground is short, small and you know boundaries hit करना बहुत easy होता है, but wicket उतनी supporting नहीं होती है, spinners को बहुत मदद मिलती है. I've seen a lot of IPL matches being played there and कभी भी बहुत ज़्यादा high scoring नहीं होता है, unless one particular player एकदम ballistic हो जाता है, कोई ओपनर जैसे हम फिल सॉल्ट की इनिंग्स याद रखते हैं या वॉर्नर की इनिंग्स याद रखते हैं. वॉर्नर तो वैसे भी थोड़ा स्लो खेलते हैं, बट फिल सॉल्ट बहुत फास्ट खेलते हैं एंड उनकी एक स्पेक्टेकुलर इनिंग्स होती है दिल्ली के विकेट पे. सो दैट इज ऑन 11th ऑफ अक्टूबर विच इज अ वेंसडे, 2 बजे वो मैच है, स्लो विकेट पे है. इंडिया विल टेक ऑन अफगानिस्तान, विराट कोहली विल कम फेस टू फेस विद नवीन उल हक एंड नवीन उल हक ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है आफ्टर वर्ल्ड कप के, वेरी सरप्राइजिंग, ही इज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड. मे बी ही वॉन्ट्स टू गेट इन द न्यूज सम, यू नो, डिफरेंट न्यूज फ्रॉम विराट कोहली, सो उन्होंने ऐसी कुछ अनाउंसमेंट कर दी है. सो यू नो वील वॉच दैट मैच लाइव, आई बी लाइव एट द स्टेडियम, तो मजा आने वाला है. सो नेक्स्ट मैच इज द, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, इट्स इंडिया वर्सेज पाकिस्तान. एंड इंडिया वर्सेज पाकिस्तान पहले 15th अक्टूबर को होने वाला था, अब वो 14th शिफ्ट हो गया है क्योंकि नवरात्रे का फर्स्ट डे है 15th को एंड गुजरात में नवरात्र आर सेलिब्रेटेड इन अ वेरी बिग वे. सो द पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल रिक्वेस्टेड BCCI एंड ICC कि ये मैच का शेड्यूल जो है वो आप एक दिन प्रीपोन कर लीजिए एंड उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई. अब ये मैच 14th अक्टूबर को खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो गुजरात में है एंड दिस इज the match of the tournament. So India captain करेंगे रोहित शर्मा, we all know that. ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन पाकिस्तान का कैप्टन करेंगे बाबर आजम. तो बाबर आजम हैज जस्ट लैंडेड इन हैदराबाद, उनको बहुत अच्छी उनकी टीम को रिसेप्शन मिली है एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद द वे यू नो देव बीन ग्रीटेड एंड एट द एयरपोर्ट एट द होटल. अबाउट 9,000 सिक्योरिटी पर्सनल, ये सुनने में आया है, 9,000 सिक्योरिटी पर्सनल हैव एस्कॉर्टेड देम फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द होटल एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद द रिसेप्शन दैट दे हैव गॉट इन इंडिया. सो बाबर आजम विल बी सीन इन एक्शन at the Narendra Modi Stadium and it's a
इज द बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड, 1,32,000 की कैपेसिटी है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती है, शुभमन गिल एंड हार्दिक पांड्या का ये होम ग्राउंड है, मान ले कि यू नो गुजरात टाइटन्स का ये होम ग्राउंड है, तो शुभमन गिल इज नोन एज द प्रिंस ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सो ही विल ऑल्सो बी इन एक्शन इन दिस मैच. आई गिव इट अ 50-50 चांस टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ऑन अ हाईली इलेक्ट्रीफाइंग मैच एंड यू नो देयर गुड डे कैन बीट एनी टीम. इंडिया जितने भी अच्छे फॉर्म में हो, अगर पाकिस्तान के बैटर्स एंड बोलर्स उस दिन कुछ कर देते हैं तो इंडिया यू नो ये मैच हार भी सकती है. सो आई थिंक इट्स अ 50-50 गो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. Moving on to the next match, which is India versus Bangladesh. So this is going to be played on 19th October, जो एक Thursday है, and this is going to be played in Pune. So Pune की जो wicket है, वो एक batting friendly wicket है, and हल्का फुल्का वो spin को भी थोड़ा सा assist करती है. So you know we expect a high scoring match here. And Shakib ul Hasan will be captaining Bangladesh, Rohit Sharma will be captaining India, and this match will be played in Pune on 19th of October. मैं इसमें इस मैच में इंडिया को एक 80-20 चांस देती हूँ. आई नो हम बांग्लादेश से अभी एक मैच हारे हैं, एंड बांग्लादेश हमें बड़े टूर्नामेंट्स में उनका हराने का भी यू नो कुछ हिस्ट्री रही है, बट आई थिंक वर्ल्ड कप है एंड द इंडियन टीम विल नो दैट हाउ क्रूशियल इट इज टू विन ईच एंड एवरी मैच, सो दे वोंट नॉट टेक दिस वेरी लाइटली. सो आई थिंक इंडिया हैज एन 80-20 चांस इन फेवर ऑफ देमसेल्व्स, एंड बांग्लादेश जस्ट हैज अ 20% चांस. सो यू नो गो इंडिया, कॉन्कर द बांग्लादेशीज. सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मैच खेले जाने वाला है, दैट इज अगेंस्ट न्यूजीलैंड. सो न्यूजीलैंड के साथ हमारे मोस्ट ब्यूटीफुल ग्राउंड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, धर्मशाला में वो मैच होने वाला है, वो 22nd अक्टूबर को होने वाला है, एंड इंडिया विल टेक ऑन न्यूजीलैंड इन दैट पर्टिकुलर मैच ऑन 22nd ऑफ अक्टूबर. सो रोहित शर्मा इंडिया के कैप्टन है, एंड केन विलियमसन जिनको नी में काफ़ी इंजरी हो गई थी, वो यू नो अब वापस आ गए हैं. ही इज कैप्टनिंग द टीम, ही इज गोइंग टू लीड हिज टीम, तो वो कैप्टन करेंगे अपनी न्यूजीलैंड की टीम को. तो इंडिया जो है न्यूजीलैंड के साथ, इनका थोड़ा वर्ल्ड कप में थोड़ा सा टाइट रहता है, एंड स्पेशली नॉकआउट मैचेस में ये हमें पकड़ लेते हैं, सो यू नो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अभी ये नॉकआउट नहीं है, बट फिर भी न्यूजीलैंड को हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, एंड इसमें एक बॉलिंग पिच है जनरली जो धर्मशाला में ली जाती है, बहुत इजी स्कोर नहीं किया जाता, इट असिस्ट पेसर्स, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ग्राउंड, पूरी तरफ से माउंटेन से यू नो इनफोल्डेड है वो ग्राउंड, बीच में है, एंड इट इज अ रियली प्रिटी ग्राउंड. सो धर्मशाला का ये जो ग्राउंड है, इसमें ज़्यादा रन्स नहीं स्कोर होंगे, थोड़ा छोटा ग्राउंड है, बट बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, एंड यहाँ आईसीसी को थोड़ी ऑब्जेक्शन भी थी कि यू नो द ग्राउंड इज़ नॉट अप टू स्टैंडर्ड्स, जो आउटफील्ड है वो इंटरनेशनल मैच के लिए यू नो एंड कैपेसिटी भी कम है स्टेडियम की, तो उतना वो खुश नहीं थे कि इंडिया का यहाँ मैच हो रहा है, बट बीसीसीआई ने समहाउ रिगल आउट कर लिया एंड दे रिटेन धर्मशाला एज द वेन्यू फॉर इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड ऑन 22nd अक्टूबर, जो एक संडे है, तो हमारा सुपर संडे होने वाला है 22nd को. देन हमारा मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड. सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लखनऊ में खेले जाने वाला है. लखनऊ इज यू नो एसेंशियली अ बोलिंग स्पिनिंग विकेट, वहां बॉल स्पिन होती है, डिफिकल्ट विकेट है, रन स्कोर करना बहुत मुश्किल है, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम सोर्सेज दैट वहां फिर से सॉइल ले की गई है एंड उसको थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है. सो लेट्स सी वॉट दे हैव अचीव्ड. इट्स अगेन ऑन अ संडे 29th अक्टूबर, एंड जॉश बटलर इंग्लैंड की तरफ से लीड करेंगे, रोहित शर्मा इंडिया की तरफ से लीड करेंगे, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ इंडियाज टफेस्ट मैचेस, बिकॉज इंग्लैंड के पास बहुत स्ट्रैटेजीज होती है, दे हैव अ काउंटर टू एवरी यू नो पंच दैट वी थ्रो, एंड वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड आते हैं, उनके बैटर्स जो है वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, बैस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, आई नो वो टेस्ट में खेलते हैं, बट यू नो दे अडॉप्ट द सेम स्टाइल ऑफ प्ले इन ऑल काइंड ऑफ मैचेस. So I think the fearless cricketer cricket in them makes them a very very tough opposition, and hume sabko yaad hai T20 World Cup mein last year unhone hamara kya hal kiya tha, semi final mein we lost, we couldn't even take
सिंगल विकेट. सो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट मैच होने वाला है. मैं इस मैच को इन फेवर ऑफ इंग्लैंड थोड़ा 60-40 दूंगी. आई नो व्यूअर्स विल नॉट बी वेरी हैप्पी दैट आई एम नॉट गिविंग हायर परसेंटेज टू इंडिया, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू वॉट माई गट फील सेज, एंड माई गट फील राइट नाउ सेज दैट इंग्लैंड हैव एन एज ऑन दिस इन दिस मैच एंड दे हैव अ 60-40 चांस ऑफ विनिंग अगेंस्ट इंडिया. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच which is against Sri Lanka. So India versus Sri Lanka Mumbai mein khele jane wala hai, and you know it's at the Wankhede Stadium. It's going to be played there on 2nd of November. So 2nd of November is a Thursday and ye match wahan Mumbai Stadium mein khele jayega. Itki batting friendly wicket hoti hai, smaller grounds hai, high scoring wicket hai, and we expect a lot of runs there. Humne Sri Lanka ko abhi Asia Cup ke finals mein bahut buri tarah haraya hai. 50 ऑल आउट कर दिया, देन यू नो जीरो विकेट्स में जीत गए. सो उनकी काफ़ी बेइज्जती हो गई, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर. शनाका इज लीडिंग द टीम. थोड़ा उन पर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी कि शायद वो कैप्टनसी छोड़ देंगे या यू नो वो लीड नहीं करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. ही इज फाइनली द कैप्टन, ही इज कम इन विद हिज टीम. दे आर यंगस्टर्स लाइक वेला लागे हु इज गोइंग टू बी देयर, एंड वेला लागे ने हमें एक पकड़ लिया था एक मैच में, 5 विकेट्स ले ली थी हमारी. सो थोड़ा सा इंडिया को बच के रहना पड़ेगा कि यू नो सडन कोलैप्स ना हो जाए. सो इन दिस मैच आई गिव इंडिया अ फेवरेबल पोजिशन ऑफ 60-40. मुझे लगता है कि इंडिया इस मैच में ज़्यादा यू नो भारी रहेगी श्रीलंका में, स्पेशली इन मुंबई. सो नेक्स्ट हमारा जो मैच होने वाला है इज गोइंग टू बी अ टफ मैच. वी आर अप अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन्स. द साउथ अफ्रीकन्स आर लेड बाय तेम्बा बाउमा हु इज वेरी गुड इन ODI क्रिकेट. छोटे से हैं लेकिन बहुत रन्स मारते हैं, एंड देन दे हैव यू नो एडन मार्करम, एंड दे हैव मिलर, एंड दे हैव क्लासन. आई मीन क्लासन की तो रैंकिंग भी अब विराट कोहली से ऊपर चली गई है ODI यू नो क्रिकेट में, एंड ही इज कम एट नंबर 8. विराट कोहली इज गॉन डाउन टू नंबर 9. सो यू नो क्लासन इज गोइंग टू बी डेंजरस. उन्होंने अभी कैसी इनिंग्स खेली है सबको पता है, 174 की जो इनिंग्स मारी है उन्होंने. सो ये उनके बैटर्स हैं जो लोअर मिडल ऑर्डर है साउथ अफ्रीका का. दैट इज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर अस, एंड उससे हमें थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा. नोकिया नहीं खेल रहे हैं, ही इज इंजर्ड, सो दैट्स अ ह्यूज लॉस फॉर देम. बट जॉनसन है एंड और भी उनके फास्ट बॉलर्स हैं, सो वी नीड टू बी केयरफुल. थोड़ा उनके पेस अटैक्स है और उनके लोअर ऑर्डर जो है उन यू नो लोअर ऑर्डर के मिडिल ऑर्डर के बैटर्स से. तो ये मैच हमारा कैलकटा में होने वाला है ऑन 5th of November. सो कैलकटा ईडन गार्डन्स है, संडे का मैच है, 2 बजे होगा. तो ये एक्साइटिंग मैच होगा फिर से. एंड देन जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है, ईडन गार्डन्स की जो पहले विकेट होती थी दैट यूज टू बी अ स्पिन फ्रेंडली विकेट, बट अब ये एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट बन गई है. उनका सारा ग्राउंड चेंज हो गया है, पिच चेंज हो गई है, एंड देव लेड डाउन अ फ्लैट पिच विच इज यू नो गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर बैटिंग, एंड दैट इज वॉट द न्यूज कमिंग इज. सो हाई स्कोरिंग मैच होगा, टफ फॉट मैच होगा. इंडिया अपनी बेस्ट देगी, एंड आई थिंक आई गिव अ 55-45 टू इंडिया इन दिस मैच, essentially because home conditions होने वाली हैं, Indian crowd होने वाला है. They'll be well prepared against the South Africans, and अगर South African के middle order में हम अगर 2 या 3 batsmen को cheaply out कर देते हैं, then South Africa does not have too much spine in their batting order. So I think it's just essentially about the spinners doing well in the middle order, and that is going to get us the game against South Africa. So please tune in to this match on 5th of November at the Eden Gardens, and it's going to be a thrilling match. हमारा लास्ट मैच जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द नेदरलैंड्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑन द 12th of November. सो 12th of November अगेन इज अ संडे, एंड ये हमारा लास्ट मैच है इस स्टेज का. सो पहले मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था कि यू नो पाकिस्तान इज स्टार्टिंग विद नेदरलैंड्स एंड देन वी आर एंडिंग विद नेदरलैंड्स. तो हमें भी स्टार्ट में अगर ईजी मैच मिलता तो अच्छा होता, बट देन यू नो लेटर ऑन आई एनालाइज दैट लास्ट मैच जो होगा वो ईजी मैच होना essential है, because इस टाइम तक टेबल की सारी स्टैंडिंग्स, नेट रन रेट, पॉइंट्स, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. एंड इन केस इंडिया कहीं फॉल्टर कर रही होती है एंड वी नीड यू नो अ पर्टिकुलर स्कोर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, अगर हमें अपना रन रेट बेटर करना है या वो एक मस्ट विन गेम हो जाती है, तो हमारे पास पूरे टूर्नामेंट की
सबसे इजी ऑपोजिशन है. आई एम नॉट मीनिंग एनी डिसरिस्पेक्ट टू नेदरलैंड्स, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप एंड यू नो ऑब्वियसली दे हैव सम मेडल, बट अभी वो एक कर्नाटका की लोकल टीम से भी हार गए हैं एंड यू नो दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग कंटेंडर्स. तो अगर हमें वी हैव टू चूज वन ऑपोजिशन अमंगस्ट दी ऑल ऑफ दी अदर ऑपोजिशंस एट दी एंड कि भाई हमें इनको 100 रन से हराना है या 50 रन से हराना है या 8 विकेट से हराना है, सो इट वुड रादर बी नेदरलैंड्स देन एनीबडी एल्स. सो एट द लास्ट द ईजिएस्ट ओपोनेंट एट द लास्ट इन केस देर इज अ फाइट फॉर द सेमीफाइनल पोजिशन इन टर्म्स ऑफ रन रेट और इन टर्म्स ऑफ यू नो विनिंग द मैच फॉर क्वालिफिकेशन, आई थिंक इंडिया इज गॉट द परफेक्ट अपोनेंट एट द वेरी एंड. सो ये मैच नेदरलैंड्स के अगेंस्ट होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी एट बेंगलुरु एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम. तो चिन्नास्वामी तो हमारा फेवरेट ग्राउंड है क्योंकि वो विराट कोहली का आरसीबी का ग्राउंड है. इट्स अ स्मॉल ग्राउंड, इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड, बहुत छक्के लगते हैं. So that is going to be played on 12th November, which is again a Thursday, a Sunday, and India will take on Netherlands in that match. Scott Edwards hain jo Netherlands ko lead karenge, Rohit Sharma India ko lead karenge, and I give a 100-0 to India. I'm sorry Netherlands, but it's a 100-0 to India at the Chinnaswamy on the 12th of November, and that is how I rate it, and I feel India will definitely qualify for the semi-finals. Semi-finals ke aage main abhi baat nahi karna chahungi because it's on that match is on the day. It's just a single match to qualify for the finals, and us match mein, us din mein kuch bhi ho sakta hai. Things can go very right for us and things can go very wrong for us either. So our first objective is qualifying for the semi-finals and then taking it on from there. So this is the schedule for India for the World Cup, जो 5th October से शुरू होने वाला है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम से फर्स्ट मैच है, ओपनिंग सेरेमनी 4th को है, तो उसके लिए भी आप ट्यून इन करना, उसके लिए भी मैं आपको लाइव अपडेट्स दूंगी. पर इंडिया का फर्स्ट मैच 8th October को है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई, एंड दैट इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग मैच. सो थैंक यू फॉर एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू हैव एग्जैक्ट क्लैरिटी ऑन इंडिया शेड्यूल, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं तो आप जरूर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, एंड जो बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं हार्ट करूंगी, पिन करूंगी, सो दैट यू नो दैट आई हैव रेड योर कमेंट. थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.